मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में पार्टी के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। दरअसल भाजपा केंद्रीय संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। साथ ही भाजपा की ओर से जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम धामी को प्रचार की बेहद अहम जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। धारा 370 लागू होने से जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम हुई है, जम्मू कश्मीर के विकास में तेजी आई है, साथ ही पर्यटन में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते निश्चित ही भाजपा की भारी बहुमत के साथ जीत होने जा रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर को बचाने के लिए हुआ, एक ध्वज के लिए हुआ, एक विधान के लिए हुआ, एक प्रधान के लिए हुआ। सच में उस सबको जो है धरातल पर उतारने का काम, उनके सपनों का कश्मीर बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक ये बड़ा अवसर है कि पहली बार इस अवधारणा के तहत एक निशान, एक प्रधान और एक विधान के अंतर्गत पहली बार चुनाव हो रहा है। और पिछले लोकसभा के चुनाव में जम्मू और कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र में अपनी गहरी आस्था का प्रदर्शन करते हुए 58% मतदान किया। और इस बार भी चुनाव को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है और कश्मीर और जम्मू के लोग विकास चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और धारा 370 देश के अंदर कश्मीर के अंदर लागू होने से जम्मू और कश्मीर में आज शांति हुई है। आज वहां पर टेररिज्म बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आ गया है और टूरिज्म वहां का बढ़ गया है। पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी, आतंकवादी घटनाएं होती थी, अलगाववादी घटनाएं होती थी, जिहाद की घटनाएं होती थी, वो घटनाएं समाप्त हो गई हैं। तो लोग शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, इसलिए लोग डबल इंजन को चुनेंगे। और मैंने तो देखा है जम्मू में मैं जिन कार्यक्रमों में भी शामिल हुआ, लोगों में बार उत्साह है और लोग भाजपा को चुनना चाहते हैं।